अब सत्र छुपाने में दो चीजें हैं, एक तो ये कि वही गुनाह छुपाना, खुद अपने गुनाहों का इजहार भी ना करे, फिल्म देखकर आया और अब दो लोगों के दरमियान वो कह रहा है या फलां पिक्चर देखकर आया, क्या ऐसी है वैसी है, तो एक तो गुनाह करके आया, ऊपर से अब बयान भी कर रहा है, तो डबल गुनाह हो गया। अब डबल गुनाह, एक देखने का गुनाह, एक बयान करने का गुनाह, ये डबल गुनाह हुआ। इसी तरह से अगर उसने कोई गुनाह का काम किया और फिर अपने दोस्तों में बयान कर रहा है मैंने तो ऐसा किया, तो अब ये भी दो गुनाह हो गए, एक करने का गुनाह और दूसरा अपने गुनाह को आम करने का, अपने गुनाह को दूसरों के सामने खोलने का गुनाह, कि जिससे अल्लाह ने छुपाया था उसे खुद तूने खोल दिया, खुद अपनी फसीहत कर ली, तो ये डबल गुनाह हो जाएंगे। और दूसरा सत्र का माना यह है कि अपने अपनी जो सत्र है उसे भी छुपाना और दूसरों की सत्र को सत्र पोषी भी करना, कि बंदा जो है जितनी उसकी सजा से बंदों की सत्र जो है नाफ से लेकर के घुटनों के नीचे तक है, तो इतना हिस्सा वो खुद अपने आप का भी छुपाए और दूसरों का भी उसमें ताक झांक न करे और दूसरों की सत्र देखने की कोशिश न करे। और बहुत से लोग हैं जो खुद अपनी सत्र खोल कर, जैसा कि मैंने कई मतलब बयान किया, चट्टे पहन कर निकल जाते हैं, उनके पूछने नजर आ रहे हैं, चट्टियां पहनकर चाहे बड़े बड़े चट्टे ही से, लेकिन इतना चट्टा है कि उनका पूछना नजर आ रहा है, तो पूछना तो सत्र औरत है, उनकी राने तो सत्र औरत है, और ये दूसरे देखते हैं तो खुद खोली उसका गुनाह खुद उसे भी होगा, और जिन जिनकी निगाह उस सत्र पर पड़ेगी वो भी गुनहगार होंगे, जो लोग ये यानी सत्र देखेंगे वो भी गुनहगार होंगे। अगर पहली नजर गलती से होता हम जा रहे हैं पड़ गई तो पहली नजर तो माफ है, लेकिन अगर वो हमारे सामने बैठा और हमारी नजर उसके घुटनों ही पर है तो फिर हम गुनहगार पर गुनहगार होते चले जाएंगे। तो ये हमें अल्लाह तआला ने सत्र पोशी का हुक्म दिया, ये मर्दों की सत्र थी, औरतों की सत्र, औरत का पूरा बदन सत्र है, औरत का पूरा बदन औरत है, यानी छुपाने की चीज है, सर के बाल से लेकर पैरों पैरों तक कदम तक ये पूरा जिस्म उसका सत्र है। लेकिन अब आजकल औरतों का हाल यह है कि वो बेसत्री आम हो चुकी है इतनी ज्यादा कि उन्हें न अपने बालों का कोई ख्याल है, जिस्म के बात तो बहुत दूर है, शरीयत का हुक्म तो यह है कि उनके बाल भी नजर नहीं आने चाहिए, लेकिन आज की हाल यह है कि बिल्कुल बाल खोल कर पाजामों में घूमना और लिबास भी ऐसा कि आसपास जाहिर हो जाए, तो यानी अल्लाह तआला को ये लिबास भी पसंद नहीं, अल्लाह ने सत्र पोशी का हुक्म दिया है, तो हमें भी यानी सत्र करनी और अपनी औरतों को भी सत्र पोशी करवानी है। और अल्लाह यानी अल्लाह तआला सरकार है, अल्लाह के रसूल के हदीस मुबारक सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामा, जिसने दुनिया में किसी मुसलमान की सत्र पोशी की, यानी कि उसके गुनाह जानकर छुपा लिए, उसके ऐब जानकर छुपा लिए, यानी अगर एक ऐसा होता है कि बंदे ने किसी को कोई गुनाह या कोई बुराई करते हुए देख लिया, या उसके अंदर कोई गुनाह और बुराई उसको पता है कि ये बंदा ये बुरा काम करता है और फिर भी वो बंदा दूसरों में बयान नहीं करता, बहुत से ऐसे होते जाकर बयान कर, वो पता है वो आदमी वो तो ऐसे काम करता है, वो तो ऐसा करता, आपने उसको देखा वो तो वहां जा रहा था, वो तो ऐसा कर रहा था, या वो औरत वो तो ऐसी है वैसी है बना चिंता, बहुत सी बातें हैं जो लोग दूसरों की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं कि वो ऐसा वो ऐसा, आपने किसी को कोई गुनाह का काम करते देख लिया तो आप आए और दूसरों को भी बताने कि मैंने उसको ऐसा करते देखा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने दुनिया में यानी किसी मोमिन को बुरा काम गुनाह का काम करते देखा और फिर उसे छुपा लिया अपने दिल तक महफूज रखा, तो अल्लाह कयामत में उसकी सज़ा पोशी फरमाएगा, अल्लाह कयामत में इसे रुसवा नहीं होने देगा। और आज दुनिया में अगर किसी ने किसी को जलील और रुसवा किया, किसी के उयूब किसी के ऐब खोले, किसी के गुनाह लोगों में बयान किए, तो कल कयामत में अल्लाह तआला उसके सारे गुनाह पूरी यानी तमाम मैदान महशर में जितने लोग होंगे उन सबके सामने अल्लाह खोल देगा उसके गुनाहों को, उसके उयूब को सबके सामने खोलेगा और बताएगा कल तूने दुनिया में एक मोमिन बंदे की सत्र पोशी नहीं की तो आज मैं भी तेरी सत्र पोशी नहीं करूंगा। इसलिए जैसे अल्लाह सत्तार है वैसे ही मोमिन को भी सत्तार होना चाहिए, बहुत ज्यादा छुपाने वाला होना चाहिए, सत्र पोशी और पर्दा पोशी करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के रसूल के हदीस मुबारक अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तफल्लकू बिअखलाकिल्लाह,
تم اللہ کے اخلاق اختیار کر لو، یعنی جو اللہ کی صفتیں ہیں، جو اللہ کے اخلاق ہیں، اسی اخلاق میں اپنے آپ کو رنگ دو. تو جب وہ ستار ہے، وہ پردہ کرتا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اپنے مومن بھائیوں کا پردہ کرو، اور اسے یعنی ان مومنوں کی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام نہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کے ستر پوشی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود اپنے گناہوں کو بھی چھپانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی رسول اللہ کے رسالت میں حاصل ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بازار میں تھا، مارکیٹ میں تھا، ایک عورت کھجوریں خرید رہی تھی. میں نے کہا کہ میرے گھر میں بہت عمدہ اور بہت زوردار کھجوریں ہیں، اور میں نے گھر میں رکھی ہوئی، تو چلو وہاں دیکھ لو. تو وہ عورت آئی، اور آنے کے بعد اس نے جو ہے، یعنی وہ جب میرے گھر میں آئی تو پھر میرا ارادہ بدل گیا، اور میں نے اسے پکڑ کر بوسا لے لیا، میں نے اس عورت کو بوسا لے لیا. تو یہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس آ کر انہوں نے کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اسے چھپا، اسے چھپا اور کسی کو بیان مت کرنا. یہ واپس گئے، لیکن صبر نہ ہو سکا. یا گناہ کا کام، یعنی یہاں یہ نہیں کہ اپنا گناہ ظاہر کرنا، بلکہ یہ کہ یہ گناہ کا کام ہے، مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے توبہ ہو، جس سے یہ گناہ مٹ جائے. تو حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے کہا کسی سے بیان مت کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، کسی سے بیان مت کرنا. لیکن پھر صبر نہ ہوا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ کے رسول غور و فکر میں، یعنی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کہتے ہیں کہ آپ خاموش تھے، تو میں یہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے میں تو جہنم میں سے ہو گیا، میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا، اور اب میری مغفرت نہیں ہوگی. کہتے ہیں تھوڑی دیر سرکار خاموش رہے، آپ مراقبے میں تھے، پھر آپ نے نظر اٹھائی اور فرمایا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے کہ جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، وہ دن اور رات میں، دن میں اور رات کے کچھ حصے میں نمازیاں نہ کرے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو ہمیں خود اپنے گناہوں کو بھی چھپانا ہے، اور اپنے مومن بھائیوں کی بھی صدر پوشی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.